हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज जो रहेगा वो छोटा सा वीडियो रहेगा। एक ट्रिगो का जो फॉर्मूला जो है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इस तीन फॉर्मूले को हम कैसे लर्न करें। ओके, तो वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आगे आगे कौन सा आएगा, सेक आएगा कि कॉसेक आएगा, साइन आएगा। तो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। ओके, मैंने अपने ट्रेनिंग में गया था तो वहाँ पर ही बहुत सारे बच्चे जो थे इस फॉर्मूला के लेकर बहुत कंफ्यूजन थे। तो एक छोटा सा लाइन याद रख लीजिए तो आप इसे जिंदगी भर याद रख पाएंगे। ओके, स्क्वायर करने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, राइट साइड 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बट ये जो रेशियो है इन्हें ही लिखने में कन्फ्यूजन होती है। तो आज के बाद से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, देखिए तो यही है छोटा सा लाइन, साइन कॉस से तुम चुप चुप के मिलते हो। यही छोटा सा लाइन आप एक बार याद कर लीजिए, आपको जिंदगी भर याद हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो आपको पता है कि क्या होगा, साइन का साइन और स्क्वायर रहेगा, थीटा लगाना है लगाइए। बीच में साइन वाले में जो होता है, पहले वाले में हमेशा प्लस होता है। ओके, उसके बाद क्या है, कॉस है तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लगाया। RHS में 1 रहता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन किसी को होता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। से मतलब हो गया हमारा सेक, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाकी दोनों में क्या होता है, नेगेटिव, तो यह लगाया मैंने नेगेटिव। और टी, तुम मतलब टी का फर्स्ट लेटर लीजिए, तुम का तो 10। ओके, क्या हो गया हमारा 10 स्क्वायर थीटा, और RHS में क्या रहेगा, 1 रहेगा। देखिए बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला चुप चुप से। तो चुप चुप से हमारा क्या आ गया, एक आ गया कॉसेक। अब आप बोलेंगे कि कॉसेक ही क्यों रखे, तो हम इसे बड़े को आगे रखते हैं, तो इसलिए मैंने बड़े को आगे रख दिया। ओके, बीच में माइनस, कोई कंफ्यूजन नहीं, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS में 1। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, एक लाइन याद कर लीजिए, आपको फॉर्मूला जिंदगी भर याद रहेगा। तो आई, और हाँ, अगर ये तीन फॉर्मूला लर्न कर लिया तो इसी से और 6 फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो कैसे बना सकते हैं, तो अगर साइन स्क्वायर कभी पूछता है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे राइट साइड लेकर जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछता है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह बन गए हमारे 3 फॉर्मूला। इसमें से देखिए तो हमारा अगर सेक स्क्वायर कभी पूछता है तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और ये दूसरे साइड प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, अगर 10 स्क्वायर हमें पूछता है तो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, इसे अपोजिट साइड ले जाइए, 1 को दूसरी साइड लाइए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 फॉर्मूले बन गए। ओके, कॉसेक स्क्वायर कभी पूछता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। और कॉट स्क्वायर को अगर हम दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो माइनस है, प्लस बन जाएगा, और 1 को दूसरे साइड लेकर आते हैं मतलब कि माइनस बन जाएगा, दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से देख सकते हैं, एक छोटे से ट्रिक से आप 9 फॉर्मूला लर्न आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ना भूले। और भी मजेदार ट्रिक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।